11 मार्च को गोरखपुर लोकसभा के उपचुनाव में शत प्रतिशत मतदान के लिए स्वीप के तत्वावधान में नौकायन कार्यक्रम का आयोजन रामगढ़ताल स्थित नौकायन केंद्र पर किया गया, जिसमें एनडीआरएफ पीएसी सहित सामान्य 50 नावें लगाई गईं, जिसमें विभिन्न वर्ग के लोगों ने सवार होकर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया। जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला, एडीजी दावा शेरपा, मंडलायुक्त अनिल कुमार, आईजी नीलाब्जा चौधरी, एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज सहित चुनाव प्रेक्षक भी नाव पर सवार हुए और लोगों के साथ मतदाताओं को जागरूक किया। इसके अलावा किन्नर समाज के लोगों ने भी जागरूकता अभियान में शामिल होने पहुंचे और लोगों से मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर चुनाव प्रेक्षक डॉक्टर माधवी खोड़े चावरे, मंडलायुक्त अनिल कुमार ने लोगों को मतदान के लिए अपील की। जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने मतदान करने के लिए लोगों को शपथ भी दिलाया। उन्होंने शपथ दिलाया कि लोकतंत्र मर्यादा की सुरक्षा के लिए बिना किसी प्रलोभन में मतदान करें। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी करेंगे और जाति, वर्ग, भाषा, संप्रदाय से ऊपर उठकर देश के लोकतांत्रिक विकास में अपनी अक्षुण भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम के दौरान स्वीप प्रभारी बलराम सिंह, एआरओ राहुल पांडे, गजेंद्र दिनेश, एसडीएम सहजनवा पंकज कुमार श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट विवेक कुमार श्रीवास्तव सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। विकास करेंगे, उन्हीं को हम वोट देंगे। अच्छा करना चाहिए ना, अच्छे वाला के अच्छे होता है, खराब वाला के खराबी होता है। वोट करना चाहिए क्या, हम लोग का यही ज्यादा जरूरी है। अरे तो युवा कल्याण स्विमिंग बढ़िया कवरेज हो जाए भाई। राष्ट्रीय सेवा योजना के लड़के हमारे बीच में है, प्रोफेसर कहाँ पे आएगा? बात नहीं है, हम लोग भगवान में साफ बता दिए। बलराम का लगा के लोगों को यहाँ पे पहली बार किसी एक उद्देश्य को लेकर 50 विभिन्न विभागों क्या की भावना से, कोई स्पोर्टी की भावना से, हर रंगों के परिधान में, रंग बिरंगे परिधान में होली के राम गुलाम राय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के छात्र ने उत्साह इसी तरह का
सहयोग प्रदान करते रहेंगे। एनसीसी की छात्र जो सीनियर ऑफिसर के दो ग्रुप हैं, श्री विधान जसपाल एडीएम साहब के नेतृत्व तिवारी जी हैं और कैमरा मीडिया ग्रुप जगह तो अच्छी है पर लेकिन वो ये कि अभी तक मैनेज नहीं हो रहा था। कैसे करोगे नागपुर
स्पेशल नाम रखना हमारे लिए क्या मतलब। मिशन प्राधिकरण मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सबका चेहरा आवे, सबका सामने आवे, आप सभी जो भी इधर बैठे हैं, जो पीछे है इसको भी इंतजार की घड़ी आपकी समाप्त हो रही है और हमारे बीच डीजी साहब जिलाधिकारी महोदय प्रकाश शुक्ला इतना फेल है लोग ले जाकर वहाँ खड़ा करा दिए थे डीएम साहब का एक सेल्फी देखते पॉइंट बनता है शायद जो अपना काम हम तो सभी लोगों को एक नहीं होनी है आप लोग अपने नंबर एक कमिश्नर साहब की टीम नंबर एक पे पहुंच चुकी है। सबसे पहले सबसे बाहर में जाने वाली टीम सबसे पहले जट्टी पे पहुंच रही है। तालियों से इनका स्वागत करिए आप लोग। एक टीम हमारे बीच आ चुकी है जिसमें सवार है हमारे मंडल के कमिश्नर साहब जिलाधिकारी महोदय परीक्षक महोदय आप सभी लोगों का टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तालियां बजाइए आप लोग तालियों से स्वागत करिए अपने उद्देश्यों में कामयाब होते हुए हमारे कमिश्नर साहब जिलाधिकारी महोदय हमारे परीक्षक साहब एडीजी साहब सबका हार्दिक स्वागत एवं अनुरोध है कृपया मन भी आके अपना स्थान ग्रहण करें। निश्चित ही हमारे एसपी साहब भी उनके साथ में है सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ये हमारे प्रशासन की टीम नंबर एक पे उनका इनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी लोग से अनुरोध है कृपया मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। तीसरी टीम हमारी जो एनडीएफ की टीम है वो भी तीसरे नंबर पे है इनका भी हम स्वागत करते हैं। धीरे धीरे टीमें वापस आ रही हैं। आप सभी लोग सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया मंच के सामने अपना स्थान ग्रहण करें इसके बाद सारी टीम यहाँ पे आएगी। चुनाव जी का भी हार्दिक स्वागत है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अधिकारी श्री राजीव रौतेला जी का भी हार्दिक जरूर आई हा वो जरूर आई हा अपने गौवा में और सर के लई हा अपन परिचय पत्र जनी तू भूलई हा परिचय पत्र नहीं होगा तब तक मतदान आपका नहीं होगा इसलिए आप वैसे परिचय पत्र लेकर मतदान केंद्र पर जाए। अपने संग घर भर के लईहा परिचय पत्र जनी तू भूलईहा
बिना पहचान के ना होई मतदान, बिना पहचान के ना होई मतदान। दियान धरिहा हो दियान धरिहा, अब की ओट डाले कौवा में जरूर रहिहा, अब की ओट डाले कौवा में जरूर रहिहा। माधवी जी जो नागपुर से पधारी हैं, आज प्रेक्षक की भूमिका में हम लोग के बीच में मैं चाहूंगी कि सर नौकायान ये जो पहला हमने देखा है कि स्वीप कार्यक्रम में ये पहली बार ही हुआ है कहीं, और हमने भी आज आरओ करके काम किया है, तो लेक का जो फायदा है वो जन जागृति के लिए कैसा करा जाए, दैट्स अ वेरी इनोवेटिव आइडिया बाय डीएम सर हियर। और एक बात की और खुशी होती है कि एज पर पॉपुलेशन सेंसस महिलाएं भी ऑलमोस्ट 50% है भारत की पॉपुलेशन में, और यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स मुझे 50% भी दिख रहा है, तो यही पार्टिसिपेशन महिलाओं का वोटिंग के दिन भी होना चाहिए। तो हमने गांव में देखा कि गांव में अभी ये तो शहर है पर गांव में जब हम घूमे तो महिलाएं इतनी जागरूक नहीं थी, तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि अपने घर में जो भी सभी लोग हैं सभी को करना चाहिए, पर सभी महिला उतनी जागरूक होकर पार्टिसिपेशन करना चाहिए। और चूंकि मैं डॉक्टर हूं तो और एक चीज कहना चाहूंगी कि हमको नेचर ने तो मनुष्य बनाया है, और बायोलॉजिकली वी आर इनटू 4 कैटेगरीज ए बी और ओ, और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है, बाकी जात धर्म तो मानव ने खुद बनाए हैं। तो जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है तो सब सिर्फ हम ब्लड ग्रुप देखते हैं, तो लोकशाही जो है भारत का गणतंत्र जो है वो संविधान इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, और संविधान जो है वो मानवीयता के ऊपर निर्भर है, तो इसी संविधान ने हम सभी को इक्वल वोटिंग का राइट दिया है, तो इस अधिकार का हमने निश्चित तौर पे किसी से बिना डरे कोई भी जाति धर्म लिंग वर्ण इस कोई भी भेद को नहीं मानते हुए जो सही है उसे आप वोट दें। और जिला प्रशासन की पूरी टीम को और आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि इतना बढ़िया आप लोगों ने यहां पर आयोजित किया। अभी माधवी जी बता रही थी कि स्वीप कार्यक्रम में नौकायन का उपयोग करना ये बहुत कम होता है, शायद ये पहली बार हुआ है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जब हम लोग नौकायन कर भी रहे थे और हम लोग रामगढ़ ताल पे थे तो जितने जोश के साथ आप लोग बच्चे खासतौर पे और खासतौर पे एनसीसी के बच्चे जो नारे लगा रहे थे स्लोगन कह रहे थे तो उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए गोरखपुर की शान जो है वो रामगढ़ ताल है, गोरखपुर को अगर कोई भी पुराना व्यक्ति अगर गोरखपुर के बारे में उनको ध्यान आता है जहन में बात आती है तो रामगढ़ ताल जरूर आता है, और रामगढ़ ताल का इतना सुंदर उपयोग स्वीप एक्टिविटी के लिए करना ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है। और हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर हुआ है उतना ही सुंदर आयोजन 11 तारीख को भी हो, और आप लोग सभी और आप लोग के माध्यम से हम चाहेंगे कि ये बात हम लोग गांव गांव तक गली गली तक मोहल्ले मोहल्ले तक पहुँचाएँ, जो बच्चे ऐसे हैं जो 18 साल के नहीं हुए हैं वो अपने पेरेंट्स को बताएं, और आप लोग सभी अपने स्कूलों को भी ये बात बताएं कि 11 तारीख को आप सभी को बहुत बड़ी संख्या में वोट डालने आना है। पिछले साल जब यहाँ पे विधानसभा इलेक्शन हुआ था और अभी हाल में जो नगर निगम इलेक्शन हुआ था तो यहाँ पे जो वोट परसेंटेज था उतना मैं कहूँगा उतना उल्लेखनीय नहीं था कि हम लोग इसको हमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। और शहर के अंदर तो मेनली मैं कहूँगा कि इस तरीके के कार्यक्रम जिससे जन जागरूकता अभियान कहेंगे हम लोग, जिससे हम लोग जागरूकता घर घर तक पहुँचा रहे हैं उसी से हम लोग वोट परसेंटेज इम्प्रूव करने की बात करेंगे। पुनः मैं डीएम साहब को और उनकी पूरी टीम को और खास तौर पे जो यहाँ पे बच्चे उपस्थित हैं उनके टीचर्स उनके स्कूल के प्रबंधक आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। मैं हूँ लेकिन जो नाव में गए थे डिफरेंट ग्रुप्स बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आए, और इस कार्यक्रम को इस तरह से कराने का एक मकसद था एक उद्देश्य था। ये जो चुनाव है ये उपनिर्वाचन है, ये बाई इलेक्शन है, और बाई इलेक्शन जब होता है तो ये एक
आइलैंड की तरह होता है, एक द्वीप की तरह। आसपास कहीं इलेक्शन नहीं हो रहा, इलेक्शन का कोई माहौल भी नहीं है आसपास। तो ऐसे समय में हम लोग ये सुनिश्चित करें कि मतदान के दिन जो हमारे 19.5 लाख मतदाता हैं इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसे 64 गोरखपुर कहते हैं, ये सभी के सभी बढ़ चढ़ कर मतदान में भाग लें, ये निर्वाचन आयोग भी चाहते हैं और निर्वाचन की पूरी मशीनरी वो ये चाहती है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन पोलिंग के दिन में हो। तो हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज यहाँ पर कर रहे हैं और मन में ये विचार आया था कि रामगढ़ ताल जो इतनी बेहतरीन और इतनी विलक्षण वाटर बॉडी है, और ऐसी वाटर बॉडी उत्तर प्रदेश में क्या नॉर्थ इंडिया में बहुत कमी है, तो इसका हम लोग कैसे सदुपयोग करें, इसका विचार बना और हम लोगों ने इसमें बोट्स का इंतजाम किया और ये कोशिश किया कि हर बोट में एक अलग ग्रुप बैठे। जैसे अभी हमारे प्रोग्राम के एंकर बता रहे थे कि हम लोगों के यहाँ पेंशनर्स जिनकी आयु 70-75 साल से ऊपर है वो लोग भी आए, और जो माइनॉरिटी की महिलाएं हैं वो भी आई, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट कॉलेजेस आए, हमारी आंगनवाड़ियाँ आई, आशाएँ आई, ANMs आई, हमारे डिफरेंट, आप ये समझिए कि हमारे सफाई कर्मी जो पंचायती राज विभाग के वो भी आए, हमारे ग्राम विकास विभाग से भी लोग आए, हमने तमाम लोगों को इकट्ठा किया और ये सब वोटर्स हैं, और ये कोशिश किया कि एक मैसेज पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये जाए कि समाज के सभी व्यक्ति जो वोटर हैं वो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं कि हमको जो 11 मार्च को जो पोलिंग है हमारा उसमें सभी वोटर्स को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के गौतम गुप्ता वोट्स हैं, जो आज जितना भी कार्यक्रम हुआ आपको जानकारी होनी चाहिए कि पिछले 10 दिन से इसकी तैयारी हो रही थी, अच्छे से हो गया, आप सबका प्रतिभाग हुआ और एक सफल कार्यक्रम हुआ, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी और विशेष रूप से यहाँ पर जो मुझे गर्ल्स दिखाई पड़ रही हैं छोटे बॉयज हैं, आप सभी यहाँ पर आए, जो और पार्टिसिपेंट्स थे क्योंकि नावें वहाँ पर रुक गई इसलिए वो वहाँ पर रुक गए हैं, आप सभी यहाँ पर आए, प्रतिभाग किया, बहुत बहुत आभार। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे, वचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।